हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंड्रोवाइड। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोटो जी 4 प्लस एक्चुअली हीट करता है। तो जैसा कि आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत से वीडियोस देखे होंगे, इसमें लोग कंप्लेंट करते हैं कि मोटो जी 4 प्लस जब से लॉन्च हुआ है तब से हीट करता है और अभी तक सॉफ्टवेयर अपडेट से कोई कुछ खास फिक्स मतलब इसके मिले नहीं अभी तक। तो मैंने भी ये फ़ोन परचेज करने के पहले काफ़ी सारे वीडियोस देखे थे कि भाई हीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसा है। तो सब जगह ऑलमोस्ट मुझे मिला था कि हीट कर रहा है और एक्चुअली ये हीट करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता, मैं ये नहीं कहूँगा। बट फिर भी इसे चला सकते हैं, नॉर्मल यूजर्स इसे ईजिली चला सकते हैं और काफ़ी हद तक कैमरा यूज़ करने के टाइम पे ये हीट होता है। अगर 2 से 3 मिनट आप कैमरा यूज़ करते हैं तो थोड़ा थोड़ा हीट हो जाता है, बट चलता सही है, उस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक 15 से 20 मिनट आधे घंटे कैमरा यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा हीट होता है, बट फिर भी थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है। और चार्जिंग करने के टाइम पे जो कि यूजुअल है, इस पर इसके साथ टर्बो चार्जर दिया गया है, तो टर्बो चार्जर जिस पे दिया जाता है फास्ट चार्जिंग इस पे होती है, क्योंकि इस पे पावर का जो फ्लो होता है वो काफ़ी तेज होता है, तो इस वजह से थोड़ा हीट होते हैं। बट फिर भी जो टर्बो चार्जिंग इसकी दी गई है बहुत सही फीचर है, वो बहुत जल्दी चार्ज होता है फ़ोन। और आप देख सकते हैं ये मेरा मोटो जी 4 प्लस फ़ोन ही है। और हीटिंग का कुछ खास इशू मुझे वैसे लगा नहीं, मैं गेम प्ले करता नहीं, नॉर्मल यूज़र हूँ मैं, बाकी मेरे एंड से तो अच्छा फ़ोन है। मैं अभी 5-6 दिन से यूज़ कर रहा हूँ इस फ़ोन को, तो बहुत सही फ़ोन है, स्ट्रॉन्ग एंड्रॉइड का मज़ा ले रहा हूँ मैं एकदम से। इसके पहले मेरे पास शॉमी रेडमी नोट 3 था, तो वो भी अच्छा फ़ोन है, बट फिर भी अगर कैमरे की बात करें तो भाई सारे पीछे छूट जाते हैं इसके। अगर 15-20 हज़ार की रेंज में आप देख रहे हैं तो कैमरा इसका बेस्ट है। तो हीटिंग इशू को आप एक तरफ रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, आप इस पर रोटी नहीं बना सकते, है ना। तो बाकी ओवरऑल फ़ोन ठीक है, बिल्ड क्वालिटी और बैटरी भी ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है, आप ले सकते हैं, अच्छा फ़ोन है। मैं इसे रिकमेंड करूँगा कि आप अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अच्छा फ़ोन है। सिर्फ हीटिंग इशू की वजह से इसे आप नहीं ले रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली कंक्लूजन ये है कि फ़ोन सही है, हीटिंग इशूज़ हैं इसमें और शायद वो मोटोरोला फिक्स कर दे कुछ दिनों में अपने सॉफ्टवेयर अपडेट से। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं खास, बट फिर भी फ़ोन ठीक चल रहा है, इतना ज़्यादा इशू नहीं है जितना ज़्यादा मैंने देखा था या वीडियोज़ में देखे थे, बट है इशू है, मतलब हीटिंग इशू थोड़ा बहुत है, बट फिर भी फ़ोन ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को और कमेंट भी करिएगा। अगर आपको नहीं पसंद आया या कुछ सजेशन हैं आपके तो ज़रूर करिएगा मुझे। और अगर आप नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूँगा और मोटो जी 4 प्लस से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।